हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार और प्रो ट्रेडिंग एकेडमी की मनी ग्रो एजुकेशनल वीडियो सीरीज में आप सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है, टेलीग्राम पे भी आ रहा है, यूट्यूब में भी आ रहा है कि भारत बायोटेक का शेयर प्राइस एनालिसिस के लिए। दोस्तों, आप सबको पता है कि जो हम लोगों का वैक्सीन निकल रहा है इंडिया में, वो भारत बायोटेक जो है उसको लीड कर रहा है। एक तो काडिला है जो एक वैक्सीन निकल रहा है, दूसरा वैक्सीन जो निकल रहा है वो भारत बायोटेक निकल रहा है। तो इसीलिए सब कोई जो है भारत बायोटेक का शेयर को खरीदना चाहता है और इसीलिए मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भारत बायोटेक का शेयर के बारे में कुछ सच जानेंगे। यूट्यूब में तो बहुत कुछ झूठा मूठा फैल रहा है, आपको कोई भी शेयर किस भी प्राइस में वो लोग खरीदने के लिए बोल रहे हैं। आज कुछ सच जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं भारत बायोटेक शेयर प्राइस एनालिसिस। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट जो है ये एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात किए बिना कोई भी पैसा स्टॉक मार्केट में मत लगाइए, क्योंकि आप जो भी पैसा लगाएंगे उसका रिटर्न का कोई गारंटी स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले आप जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, आज बहुत ही शॉर्ट में मैं यही बताऊंगा कि YouTube में बहुत सारा वीडियो चल रहा है भारत बायोटेक शेयर के बारे में, लेकिन दोस्तों मैक्सिमम जगह पे जो हो रहा है वो आपके साथ धोखाधड़ी हो रहा है। लोग जो है YouTube में, बोलिए YouTube में जो सब मतलब गुरुदेव लोग बैठे हुए हैं या बहुत सारे लोग जो अपने आपको गुरुदेव बताते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, एनालिसिस के बेसिस पे आपको ये वाला जो कंपनी है, भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल जो कंपनी है, इस कंपनी का शेयर को खरीदवा रहा है। और इसका नमूना आप देखिए कि इस शेयर का जो प्राइस है वो सर्किट लगते लगते ऊपर जा रहा है हर टाइम पे। तो ये आपको दर्शाता है कि लोग जो है इस कंपनी का शेयर को बहुत ही भारी मात्रा में इसको खरीद रहा है। लेकिन दोस्तों, ये चीज सच नहीं है। ये जो भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल लिमिटेड है, ये वो कंपनी नहीं है जो ये वैक्सीन बना रहा है। जो वैक्सीन बना रहा है उस कंपनी का ओरिजिनल जो नाम है वो है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। तो दोस्तों, गूगल में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा ये है ओरिजिनल कंपनी, ये जो है भारत बायोटेक बोल के जो कंपनी है ये वाला ओरिजिनल कंपनी है। और इसका देखिए ये नाम है भारत बायोटेक इंटरनेशनल। और दोस्तों, जो मैक्सिमम जगह पे यूट्यूब में बोला जा रहा है, जो कंपनी का चार्ट मैंने आपको दिखाया वो अलग कंपनी है, वो है ओरिजिनल भारत बायोटेक इंटरनेशनल नहीं है। लोग उसको खरीद रहे हैं अभी, लेकिन जैसे ही उन लोगों को पता चलेगा कि वो गलत चीज खरीद रहा है वो बेचना चालू कर देगा और उसका जो प्राइस है वो खुद ब खुद पहले के जैसे प्राइस में आ जाएगा। मैं दूसरा भी प्रूफ आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे विकिपीडिया में जाइए, भारत बायोटेक को सर्च कीजिए, क्योंकि इसके लिए अभी भी एक विकिपीडिया पेज भी बन गया है। तो यहाँ पे भी देखिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल बोल के लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए कंपनी टाइप पब्लिक कंपनी नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी है। दोस्तों, इसका मतलब ये जो कंपनी है भारत बायोटेक जो ये वैक्सीन को बना रहा है उसका शेयर मार्केट में कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो लोग शेयर मार्केट में इसको लिस्ट नहीं किए हैं। आप कितना भी शेयर मार्केट में ढूंढ लो, ये कंपनी आपको लिस्टिंग में नहीं मिलेगा। मैं आपको थर्ड और एक प्रूफ दिखाता हूँ दोस्तों, जो है लाइव मिंट का ये जो पेपर है, ये आपको पता है लाइव मिंट जो पेपर है ये बहुत ही मतलब रिनाउंड पेपर है सब जगह के लिए। तो लाइव मिंट का भी अगर आप रिपोर्ट देखेंगे वहां पे भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड एन अनलिस्टेड वैक्सीन मेकर। दोस्तों, ये वाला देखिए अनलिस्टेड, मतलब ये इसका लिस्टिंग ही नहीं है शेयर मार्केट पे। तो दोस्तों, जहां जहां पे बोला जा रहा है कि भारत बायोटेक के नाम पे कि भारत बायोटेक का जो शेयर है इसका मतलब ये वाला है कि भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल लिमिटेड, ये गलत है। दोस्तों, ये जो कंपनी है ये ओरिजिनल भारत बायोटेक इंटरनेशनल कंपनी नहीं है। दूर दूर तक ये दोनों कंपनी में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो लोग जो इसको खरीद रहे हैं सब कुछ सोच रहे हैं कि भाई इसका प्राइस बहुत रॉकेट बन जाएगा, ऐसा होने का चांसेस बहुत कम है। हो सकता है इस कंपनी का कुछ कारण पे ये जो शेयर है ये ऊपर जाए, वो अलग चीज है। लेकिन जो वैक्सीन के लिए खरीद रहे हैं कि वैक्सीन निकल गया तो इसका प्राइस बढ़ेगा, वो होने वाला नहीं है, क्योंकि ये वो कंपनी है ही नहीं। तो दोस्तों, इन दोनों के बारे में कभी भी कंफ्यूजन अपना दिमाग में मत रखिए, कंफ्यूजन निकाल दीजिए। और गलती से भी जो यूट्यूब में सब जगह पे चल रहा है या दूसरा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म में चल रहा है, जो सब मतलब सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु लोग बोल रहे हैं,
उसके बाद सुन के कभी भी ये वाला शेयर को मत खरीदिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल समझ के। दोस्तों मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको जागरूक कर सकूं। तो दोस्तों ये शेयर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कभी भी मत खरीदिए, आपको अगर लगता है कि ये शेयर ऊपर जा सकता है तो खरीदिए, लेकिन इसको भारत बायोटेक इंटरनेशनल समझ के मत खरीदिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को YouTube में लाइक करें और आपके सोशल मीडिया टाइमलाइन मतलब Facebook, Twitter ये सब जगह पे शेयर करें। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो रेगुलर बेसिस पे पाने के लिए हम लोग का जो YouTube चैनल है इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स लाइव मार्केट में आपको अगर कोई गाइडेंस चाहिए या आपको कोई स्टॉक का जो एनालिसिस है मुझे रिक्वेस्ट करना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एडुकेशनल वीडियो में।